पठानकोट के हल्का भुआ के अधीन पड़ते गांव समराला में एसकेआर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मेडिकल सुविधाओं के लिए ओपीडी का उद्घाटन समारोह का आयोजन डॉक्टर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के रूप में हल्का विधायक जोगिंदर पाल व इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भूपति शर्मा पहुंचे व रिबन काट कर ओपीडी का शुभारंभ किया। इस दौरान डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि एसकेआर हॉस्पिटल के सहयोग से एसकेआर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फ्री मेडिकल की सुविधा देने के लिए फ्री ओपीडी का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मेडिसिन, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी टेस्ट, हड्डियों के माहिर डॉक्टर और आंखों के मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह गरीब परिवारों के लिए कुछ करना चाहते थे जो कि उनका सपना था, इसलिए वह आज उसका आगाज करने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में एसकेआर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से क्षेत्र के लगभग 300 मरीजों की आंखों के मुफ्त ऑपरेशन करवा चुका है और यह सेवा निरंतर जारी रहेगी। कार्यक्रम के दौरान विधायक जोगिंदर पाल ने कहा कि आज एसकेआर हॉस्पिटल और एसकेआर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जो गरीब लोगों की सुविधा के लिए ओपीडी का आगाज किया गया है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसके लिए वह डॉक्टर कृष्ण कुमार और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए ये बड़ा जतन किया है। अगर हम इसे समाज सेवा के जज्बे को लेकर लोगों का सहयोग करें तो परमात्मा हमें और हमारे परिवार को और उन्नति की ओर ले जाएगा। उधर कार्यक्रम के दौरान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भूपति शर्मा ने उद्घाटन समारोह के दौरान डॉक्टर टीम और क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो समाज सेवा का जज्बा लेकर समाज में कुछ अच्छे काम करते हैं। उनमें से एसकेआर चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम है जो इस समय बहुत ही बढ़िया कार्य करने जा रही है। वह परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो सेवा भावना के साथ लगे हुए हैं, परमात्मा उन्हें कामयाबी दे, जिससे कि वह क्षेत्र के गरीब लोगों को बढ़िया इलाज प्रदान कर सके। नेशनल 18 के लिए पठानकोट से कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। जिसके मालिक अपने डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने ये शुरू तो ही बड़े वधिया और अच्छे काम करते रहे, गरीबों की मदद करते हैं। जो भी कि किसी को पैसे की भी कमी होती है तो फ्री ऑपरेशन भी करते हैं। अज इन्होंने एक बहुत बड़ा उपराला किया कि समराला दे विच एक पूरा पूरा क्लीनिक और एक डिस्पेंसरी, फिर एक्सरे क्लीनिक, मतलब जितना भी इन्हों का चैरिटेबल क्लीनिक, ये सारा फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब लोगों ने, क्योंकि ये इलाका जो पिछड़ा हुआ इलाका है और एक शुरू तो ही ये आप भी एक बहुत ही ईमानदार और वधिया डॉक्टर ने जेड़े जिन्होंने मैं आज दे युग दे विच जदों कि हर कोई पैसे की दौड़ दे मगर लग्या होया, हर कोई एक रुपया कोई नहीं छड़दा, लेकिन डॉक्टर साहब की एक एक बहुत ही वधिया इन्हों का वो है कि इन्हों का कैसा दिल है कि ये पैसे दे मगर नहीं, लेकिन इन्होंने लोगों को फैसिलिटी देने वास्ते बिल्कुल इस एरिए फ्री हॉस्पिटल ये जो खोलिया है, जिस दे विच फ्री ऑपरेशन, अखा दे ऑपरेशन, फ्री एक्सरे, और मैं कहना कि डॉक्टर साहब जिहड़े ने इस इलाके लई एक भगवान का रूप ही न, कि जेडे क्योंकि अमूमन देखा गया कि छोटा जहा एक्सरे भी कराना हो घट्टो घट 300 रुपया 400 रुपया एक्सरे तो लगता है। गरीब आदमी को 10 रुपये भी जिद को नहीं होते वो बेचारा कितने जाएगा, और ये बहुत बड़ी गल है कि एक संस्कार ने डॉक्टर साहब दे कि डॉक्टर साहब ने इन्ना अच्छा काम किया। और इतने जोगिंदर पाल MLA जी आए, उन्होंने एरिया पैंता, और जोगिंदर पाल MLA भी जोड़े ने वो बहुत वह भी बहुत अच्छे इंसान ने। मेरे ख्याल 117 MLA कल जोगिंदर पाल जी ने जोड़े पंजाब गौरमेंट को कोई पैसा नहीं लेंदे, ना कोई गड्डी का खर्चा लेंदे, ना कोई अपनी सैलरी लेंदे। सो ये एरिया जोड़ा है ये मैं कहना जी बड़ा खुशनसीब है कि इन्हों जहा MLA मिलया, और डॉक्टर साहब भी बहुत बढ़िया इंसान, और मैं कहना कि इस एरिए डॉक्टर साहब का फायदा लेना चाहिए। और जिस तरीके डॉक्टर साहब ने यह जरा इलाका है इस इलाके फैसिलिटी दी है, ये बधाई दे पात्र न, और इन्हों हज़ार लखा लोगों दुआवं लगनिया ने, क्योंकि यहोजा काम जरा कोई आम इंसान नहीं कर सकता, कोई परमात्मा का भेजा बंदा ही कर सकता। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि उन्होंने इस एरिए इन्नी वधिया फैसिलिटी दी है। थैंक यू, धन्यवाद। अज बहुत ही खुशी का दिन है, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने एक पिंड क्लीनिक खोलिया, बहुत ही
लोगों को लाभदायक फायदा होना है। और मेरी बाबे नानक अगे अरदास है, बाबे नानक दी इन्हां उत्ते अपार कृपा बनी रहे, ये दिन दुगनी ते रात चुगनी तरक्की करन, ये मेरी कामना है। और इत्थे बच्चे नाल नाल सिखदे जाणगे और नाल नाल जिहड़ी आई कैंपेन लगाना है वो पहले भी लगाते हैं, हूँ भी इन्हें लगाना, वो लोगों की अखा जड़ियाँ ठीक करने ज अखा के ऑपरेशन करने वो बिल्कुल फ्री होने हैं। बहुत ही शलाघाजोग कदम है। मैं चाहना भी इस तरह के डॉक्टर होर भी बाकी अपना अपनी जिम्मेवारी समझन तो गरीब का भला हो सकता है। गरीब का भला किया कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो मेरी फिर प्रभु अगे बेनती है, डॉक्टर साहब के उत्ते अपार कृपा बनी रहे, सारी टीम के उत्ते अपार कृपा बनी रहे, सारी टीम जी है दिन दुगनी तरह चुगनी तरक्की करे, ये मेरी काम है। ये अज असी इत्थे अपने क्लीनिक का MLA साहब ने उद्घाटन किया वा। ये असी एक चैरिटेबल क्लीनिक खोलिया वा जिदे विच अखा का इलाज, अखा के ऑपरेशन, हड्डियां का इलाज, एक्सरे ते लैबोरेटरी दे टेस्ट जिहड़े आ सारे फ्री किए जाएंगे। हड्डियां दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर भी चैक करनगे सारे मरीजों नूं, अखां दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर भी चैक करिया करनगे और इन्हां नूं दवाइयां भी फ्री दित्तियां जाणगियां, यानी कि मरीज को इत्थे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये साडे सरपंच साहब पिंड दे समराला पिंड दे सरपंच साहब साडे MLA साहब उन्हां दी बदौलत अहीं सारा कुछ ये सारा शुरू किया वा, जिहदे विच गरीब लोगों का जिहड़े शहरों में नहीं जा सकते, महंगा इलाज नहीं करा सकते, साढ़े जिहड़े भी आस पास के पिंड ने उन्होंने फैसिलिटी देने वास्ते SKR हॉस्पिटल वालों ये उपराला किया गया वा। तो मैं परमात्मा अगे अरदास करदा वा कि जो अहीं कदम चुकिया अज इसनूं अगे वधाईए होर। संजीवनी आयुर्वेदिक क्लिनिक पठानकोट के डॉक्टर मनदीप शर्मा द्वारा सभी पुराने रोगों का आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज। आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा कैंसर, जिगर, पीलिया, पथरी, चर्म रोग, पेट के रोग, बवासीर, भंगदर, फिशर, मुंह के दाग, कालापन, जोड़ों के दर्द, अस्थमा, एलर्जी, पुराना बुखार, ल्यूकोरिया, मूत्रपथ के संक्रमण, थायराइड, पीरियड संबंधी समस्याएं एवं अन्य रोगों का इलाज किया जाता है। संपर्क करें उत्तम गार्डन कॉलोनी मनवाल अपोजिट पटवारी ऑफिस पठानकोट।